नमस्ते, कैसे हो? आज मैं आपको सिखाने नहीं, कुछ दिखाने आई हूँ। ये जब मेरे बच्चे कॉलेज वाले थे तब मैंने कुर्ते बनाए थे ये, लेकिन आज लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखा दिया। कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये मैं उधेड़ रही हूँ, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। ये मैंने कुर्ती बनाई थी, ये मैंने आधा उधेड़ दिया। एक ये स्वेटर बनाया था, ये सब अब पुराने हो गए तो सब उधेड़ के कुछ ना कुछ नया क्रोशिया से, सिलाइयों से, जिससे भी बनेगा भाप लगा के ये बनाऊंगी। ये देखिए, ये स्वेटर बनाने में बड़ी मेहनत लगी थी पहले, आज ये मेहनत सब बेकार हो गई है। ये देखिए, बहुत मेहनत से बनाए थे ये सब। साथ में बैठते थे हम, बहुत सारे एक साथ बैठते थे, बनाए ये सब बनाए थे। देखिए, ये सब उधेड़ने के लिए रखे हैं। एक स्वेटर ये है, ये भी उधेड़ूंगी। ऊन थोड़ी सी पहले की थी ना, थोड़ी चुभती है ऊन। स्वेटर तो बहुत अच्छे हैं ये, इनको तो खैर ज़्यादा साल नहीं हुए, ऐसे हुए होंगे 6-7 साल, पर ये सारे उधेड़ के बनाऊंगी। और इसलिए मैंने कहा पहले आपको डिज़ाइन दिखा देती हूँ कि पहले ये सब डिज़ाइन चलते थे, बनाते थे, बहुत पहले से मैंने ये बना रखे हैं। अब जाके थोड़ा सा अब इनको उधेड़ के भाप लगा के कुछ ना कुछ नया बनाऊंगी। देखो, इतना अच्छा लगता था ये वाला स्वेटर, लेकिन चुभती है ऊन तो कुछ उधेड़ के देखो, इतने मेहनत से डिजाइन सीखा था, बनाया था। ये वाला तो बहुत सुंदर है, देखिए ये डिजाइन बड़ा चलता था पहले, अभी भी चलता है, खैर बड़ी मेहनत से बनाया था। अभी ये सब उधेड़ के लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखा दिया कि कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये सब एक कुर्ती बनाई थी, अब सब उधेड़ दिया, आधा उधेड़ दिया, आधा अभी उधेड़ने के लिए रखा है। आपको मैं दिखाना चाह रही थी कि पहले भी हमने बहुत सालों से पहले से हम बनाते थे, आज नया नहीं है, पहले से ही हम काफी सारा बनाते हैं। आज जाके थोड़ा सा लगता है कि खाली बैठे हम, तो खाली बैठना अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये सब काम करती हूँ। अब ये पुराने हो गए, इसको तो काफ़ी साल हो गए, इसको तो हो गए जब मेरे बच्चे कॉलेज वाले कोर्स करते थे, अब तो उनके 11-11 साल के बच्चे भी हो गए। पर पहले की ऊन बहुत अच्छी निकलती थी, देखो उधेड़ने में भी बड़ा कहीं उलझ नहीं रहा है, कहीं कुछ नहीं। लेकिन अब पुराने हो गए, बच्चे पहनते नहीं हैं, इसलिए सोचा नया बनाऊं कुछ इनका, इनके लिए नया कुछ क्रोशिया से, देखते हैं क्या बनता है इसका, देखते हैं फिर क्या बन पाएगा। जो बनेगा फिर आपको बताऊंगी क्या बनाया मैंने, क्या बनाती हूँ मैं। ये मैंने टेबल का कवर बनाया, इसको भी बताऊंगी मैं मैंने कैसे बनाया। ये टेबल मैट बनाए, दो बनाए, ये के सब धागे मिला मिला के, ये सब देखो ये इस तरीके से, ये डिजाइन एक ही है, बस ये चीजें थोड़े अलग अलग कर रखी है, ये चीजें थोड़ा अलग है, बाकी डिजाइन मैंने एक ही जैसा डाला है। देखिए, इसके भी पहले दो टिकली बनाए, फिर ये तीन बनाई है, फिर ये ऐसे ऐसे करके ये बनता चला गया। तो ये सेंटर टेबल के लिए बनाए,
ये पहले से पड़ी हुई थी ऊन, इसमें तो कुछ नई है, कुछ पुरानी है, कुछ बची उची थी ये, तो इसलिए इसका भी बना दिया, क्योंकि खाली तो रह नहीं सकते हैं, सोचा खाली बैठ के क्या करें, थोड़ा कुछ बन जाए, बच्चों के काम आ जाए। थैंक यू, आपको फिर बताऊंगी मैं कि मैंने कैसे कैसे बनाए, थोड़ा ऊन आ जाए तो फिर बताऊंगी आपको। थैंक यू।